Now students, today's topic is surface area and volume. Surface area and volume. ठीक है ना? और अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं. तो फर्स्ट है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का हम लोग सीखेंगे यहां पर लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कितना होता है. तो यहां पर देखिए ये क्यूबॉइड है आपका. इसमें एक साइड है L, एक साइड है B और हाइट इसकी H. ठीक है, इसका लेटर सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए 2LB प्लस 2BH. ठीक, सॉरी 2LH, 2LH प्लस 2BH होगा कि नहीं होगा. और इसमें से 2H कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको L प्लस B. ये आपकी लेटरल सरफेस एरिया किसकी हो जाएगी, क्यूबॉइड. ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुके. टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया में LB, 2LB ऐड हो जाएगा. इट मींस 2LB प्लस 2BH और प्लस 2LH और 2 आप कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस LH आपको ये टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप समझ. इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है बेस इनटू हाइट. बेस क्या है, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है, L इनटू B इनटू हाइट. तो आपको याद भी रहेगा L इनटू B इनटू H. L इनटू B इनटू H, ठीक है ना. तो आपको क्यूबॉइड के बारे में तीनों इंफॉर्मेशन मिल गई, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम. क्लियर हो गई बात. क्लियर yes, होने का मतलब याद हो जाना, दिमाग में बातें बैठ जाएंगी. भूले ना, पूरी लाइफ टाइम ये ना भूले, क्योंकि ये हर जगह आपको मिलने वाला है. आगे आते हैं बिल्कुल क्यूब पर. क्यूबॉइड से क्यूब बना हुआ है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये अलग है. ये अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, अगर तीनों इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा. क्योंकि सभी साइड बराबर हो जाती है, तो अगर सभी साइड बराबर हो गए तो उनको हम नया नाम दे दिए ए यूनिट. लेंथ ए यूनिट, ब्रेथ ए यूनिट और हाइट ए यूनिट. अब इसमें ध्यान से देखें कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे. और हर एक फेस एक स्क्वायर है. ध्यान देखो, ये ए, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, सभी साइड ए है तो स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड स्क्वायर, ए इंटू ए दैट इज साइड स्क्वायर. तो अगर एक फेस का ए स्क्वायर कुल लेटरल सरफेस में कितनी वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं, तो कितने ए स्क्वायर हो जाएंगे, 4 ए स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, जो कि पहले क्या था 2h इंटू एल प्लस बी. अगर इसमें हम सब जगह ए रखते हैं यहां से भी मिल जाएगा ए इंटू ए प्लस ए, तो 2a हो जाएगा और ये 2 जा 4a स्क्वायर यहां से भी आ जाएगा. बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना. यहां देखो जिस रूम में बैठे हुए हो, 4 वॉल्स है, हर एक वॉल की एरिया ए स्क्वायर आएगी अगर ये क्यूब है तो. उसकी हर एक दीवार स्क्वायर बनेगी, स्क्वायर की एरिया साइड इन टू साइड, साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन. टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4a स्क्वायर तो रहेगा ही, ये चार दीवारें तो रहेंगे ही, प्लस क्या बढ़ जाएगा, नीचे का बेस और ऊपर सीलिंग. तो नीचे भी a स्क्वायर, ऊपर भी a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर दैट विल बी 6a स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा. आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम में आते हैं. बिल्कुल यही से निकलेगा l into b into height. तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए, ए इनटू ए दैट इज ए क्यूब. ठीक है, तो ये हमारा दो फार्मूला, दो ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइंड कर दिया, क्यूबॉइड और क्यूब को, कि उनके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होंगे. ये आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और माइंड में रिकॉल कर सकते हैं. पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं. केवल यहाँ पर कड़ियों को जोड़ना,
सबकी समझ में आ रहा है, चल रहा है ना? यस यस गुड। अब थर्ड पे आते हैं, तीसरा आपका क्या होगा? सिलेंडर। अब यहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इससे डिफरेंट होता है। एक सिलेंडर बना लिया जाए, ठीक है? सिलेंडर में क्या होगा? सिलेंडर में रेडियस होगी और हाइट, ठीक है? इसको हम हाइट एज्यूम करते हैं स्मॉल एच, और इसके रेडियस यहां पर अगर हम डायमीटर बना दें तो यहां बीच से रेडियस हो जाए। तो दो चीजें मिल गई, इसकी रेडियस और इसकी हाइट। अब यहां समझने वाली बात है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो स्टूडेंट्स यहां सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर में ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं इधर जो होगा ये कर्व होगा और ये प्लेन होंगे, ऊपर और नीचे, अप और डाउन, ये प्लेन होगा, ये सर्किल होगा, सॉलिड है ये। तो सॉलिड में एक सर्किल ऊपर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, ठीक है ना? तो वो दोनों प्लेन होते हैं। yes. तो अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, LSA और ऑब्लिक CSA, यहां तो LSA की बात नहीं, यहां तो CSA की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इनटू हाइट। सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्किल का? 2πr, 2πr, और हाइट कितनी है इसकी? h, तो बन गया 2πrh। तो पुराना फॉर्मूला है, ध्यान से समझो, पूरा नहीं याद करना है। 2πr तो पहले से आप जानते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, बाउंड्री होती है केवल, पेरीमीटर जिसको आप कह सकते हो सर्किल का, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया 2πrh, याद रहेगा? yes, नहीं याद आएगा तो सर्कमफेरेंस आज याद आएगा, 2πr into h, 2πrh, याद हो गया? yes. आगे बढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, तो टोटल में क्या करेंगे? कर्व तो रहेगा ही रहेगा, टोटल में कर्व तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो एरिया प्लेन की होगी उसको और जोड़ देंगे। प्लेन है कहां? प्लेन यहां पर है, प्लेन यहां पर है। ये क्या चीज है? सर्किल। सर्किल की एरिया कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर, पहले से याद है आपको। कितने सर्किल मिल रहे हैं? तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2πr2। अगर इसी कर्व सरफेस में 2πr2 जोड़ दिया जाए तो इसकी सॉलिड सिलेंडर की टोटल सर्फेस एरिया मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? Yes. तो लेकिन ये किताब में नहीं लिखा, बुक में क्या लिखा मिलेगा? 2πr कॉमन h प्लस r, ये बुक में लिखा मिलेगा। yes, लेकिन आपको ऐसे ही बताना है और ऐसे ही पढ़ना है। क्यों? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर यही सिलेंडर कह देगा कि ये सिलेंडर ग्लास है, ग्लास का मतलब पानी पीने वाला। yes. अब उस ग्लास में आप ध्यान से देखिएगा, एक तरफ से तो खुला होगा लेकिन एक तरफ बंद होगा, आपके साइड में ग्लास होगा ना, एक तरफ बंद, दोनों तरफ खुला वाला नहीं होगा और दोनों तरफ बंद वाला भी नहीं होगा। तो वहां पर डेफिनेशन है, ग्लास की डेफिनेशन क्या है? एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज। अब कहेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, तो या आप ये लगाओगे तो भी गलत होगा, ये लगाओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है। तो इसका नया फार्मूला आप क्या बनाएंगे? 2πrh प्लस πr2, क्योंकि एक सर्किल आप ऐड करेंगे। yes, लेकिन आप याद करके तो ये दोनों गए हैं, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूले को ब्रेक करके आप लगाना सीखें और याद करेंगे भी उसी तरीके से, कर्व प्लस जितना उसमें ऐड कर रहे हैं। बात कुछ क्लियर हो रही है? yes, तो ठीक है, यहां समझ गए हैं? yes, आगे बढ़ जाए। yes, अब इसके आते हैं इस पर वॉल्यूम पर। इसका वॉल्यूम भी बड़ा आसान है, याद कैसे करेंगे? सर्किल की एरिया सभी को याद है बेटा? yes, बताओ सर्किल की एरिया कितनी होती है? एरिया तुम बताओ बेटा, तुम बताओ, अब बताओ, पाई आर स्क्वायर इज राइट आंसर। सभी का आंसर सही है, पाई आर स्क्वायर सबको याद है, केवल इनटू हाइट कर देना है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब नया फार्मूला नहीं मिला है, पुराने से ही नया बना है। पाई आर स्क्वायर पहले से मालूम है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच।
तो जब आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, पुरानी चीजों में थोड़ा सा जोड़ देना है। कर सकते सर यह सरकमफेरेंस 2πRh, वॉल्यूम की बात करेंगे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर एच इंटू मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तैयार। तो कितने लोगों को सिलेंडर का पूरा याद हो गया? हाथी जी कुछ लोग बाद में उठाए थे, सोचे कि सब लोग उठा रहे होंगे, उठा लिया, कोई बात नहीं, याद रखना। अब हम आते हैं किस पर, कोन पर। आपको पूरे जितने भी संसार में ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो चार ही पांच तरीके से, सिक्स टाइप से मिलेंगे, या तो क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, या तो क्यूब के फॉर्म में होगा, या तो सिलेंडर के फॉर्म में होगा, कोन के फॉर्म में, स्फीयर या हेमिस्फीयर के फॉर्म में भी होगा, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे अगर कोई इससे डिफरेंट होगा तो उसे में काट छाट करके थोड़ा सा बना दिया जाए। तो लेकिन जो आपको पढ़ना है वो केवल सिक्स टाइप के, सिक्स ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से चार मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, दो बच्चे बाद में। पहले कोन पे आइए, कोन बहुत अच्छे से आप परिचित हैं, आपकी बर्थडे से रिलेटेड है और बर्थडे सभी को याद रहता है, सेलिब्रेट भी करते हैं और उसी कैप के साथ। लेकिन अभी आपका कैप नहीं है, ये सॉलिड है, सॉलिड हम ले चलेंगे फिर हम उसको बाद में। अब इसमें हाइट होती है, देखो ये बेस पर, ये रेडियस होती है, ये हाइट एज्यूम करके। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दें कि आपका जब भी जब कोई फार्मूला पूछेंगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे, राइट सर्कुलर, ये जो फार्मूले हम पढ़ रहे हैं ये राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हुआ, इट मींस हाइट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस। अब आपका ऐसे भी तो सिलेंडर हो सकता था, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, अब इसको तो सिलेंडर ही कहेंगे ना, थोड़ा सा, लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं है क्योंकि इस पे हाइट जो है इस पे परपेंडिकुलर नहीं आएगा, इसकी हाइट खींचोगे और जो कोई एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा रेडियस पे ना, तो इसका मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम इसका फार्मूला नहीं पढ़ रहे, हम इसका पढ़ रहे हैं जब हाइट रेडियस पे परपेंडिकुलर है, इज इट क्लियर, राइट सर्कुलर पर, इसमें भी राइट सर्कुलर मिलेगा, इसको मिटा देते, कंफ्यूज मत होइए। हम सभी जितने फार्मूले बता रहे हैं ये राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर बेटा यहां तो ये तो 2D में है, लेकिन अगर हम कहें कि बेटा इसका पहले स्लैंट हाइट समझ लो, स्लैंट हाइट को हिंदी में कहते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछा वर्ड तो जानते हैं ना, तिरछी जो टेढ़ी हो, तो इसमें हाइट एच तो ठीक है, रेडियस भी ठीक है, ये जो हाइट ये होती है इसको कहते हैं एल, स्लैंट हाइट, टेढ़ी वाली हाइट, ठीक है ना, ये वाली टेढ़ी वाली हाइट, स्लैंट हाइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखें यहाँ पे राइट एक रेक्टेंगल को राइट ट्रायंगल बन जाएगा और पाइथागोरस लगा देंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे जो कह दो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर कोन में कहाँ ट्रायंगल होता, कोन तो आपने देखा होगा ना, कैफ आपने देखा होगा ना, अपने बर्थडे वाला कैफ जो पहनते हो, उसमें तो सर कहीं पर रेक्टेंगल वो दिखता नहीं, बिल्कुल दिखता है, अगर वो सॉलिड हो और उसको काट दिया जाए तो आपको रेक्टेंगल दिखे, सॉरी राइट ट्रायंगल दिखेगा उसमें, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिनेशन है ये, इस तरीके से बन जाएगा। तो हम यहां पर आते हैं पहले CSA पर, क्या बात करेंगे CSA, इसका CSA याद रखने वाली चीज है पाई आर एल, लेकिन साथ साथ में एल को भी डिफाइंड करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कहां से मिला, इस राइट ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अगर एल स्क्वायर है एल निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, बात समझ में नहीं आई, ये एकदम यूनिक, इसको याद ही करना पड़ेगा इसलिए से जुड़ता नहीं है पाई आर एल। लेकिन अभी इसमें देखिए ये हमारा कर्व पोर्शन की बात हो रही है, ये हमारा कर्व है, प्लेन कहाँ है नीचे, नीचे क्या है सर्किल, तो सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर, तो अगर हमको टीएसए की बात करनी होगी तो पाई आर एल तो रहेगा ही, उसमें क्या जोड़ देंगे एक
सरके जोड़ देंगे दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर ये आपको बुक में मिलेगा, लेकिन ऊपर बुक में नहीं मिलेगा कि कैसे आया ये, तो आपको इसको टुकड़ों में भी याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि कहां पर हमको, हाँ ठीक है, तो ये आप पाई आर एल प्लस पाई आर, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? अभी हम दो सॉलिड को जोड़ देंगे, इसको उनको उठा करके सिलेंडर पर रख देंगे, तो क्या होगा ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, तब सरफेस एरिया आपको सोचनी पड़ गया क्या बताऊं, इसलिए टुकड़ों में याद करो, लेटरल अलग टोटल कौन सी किस दोनों को जोड़ करके बना हुआ है, क्योंकि आपको अभी जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, अब इसको उठा करके स्फीयर हेमिस्फीयर पर रख देंगे तो एक नया शेप बन जाएगा, उसका फार्मूला आप उसका फार्मूला बनाएंगे। आगे बढ़े, इसके वॉल्यूम पे आते हैं, इसका इसका कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज इससे मिल सकती है, ये चीज इससे मिल सकती है, सेम रेडियस और सेम हाइट होने पर, सेम रेडियस और सेम हाइट किसका, सिलेंडर और कोन का, तो अगर इसमें थ्री टाइम्स कोई मटेरियल भर करके इसके अंदर डाल दिया जाए सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर फुल हो जाएगा, अगर इसमें कोई मटेरियल भरा हुआ है फुल है तो तीन बार इसको भर करके निकालें तो ये पूरा खाली हो जाएगा, इट मींस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ रेडियस एंड हाइट आर द सेम, अगर दोनों की रेडियस और हाइट सेम है तो इसका 3 गुना इसमें आएगा, इसका 1/3 इसमें आएगा, तो क्लियर हो गई बात, वॉल्यूम ऑफ कौन जो मिलेगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उस सिलेंडर था उसी को 1/3 कर दिया, समझ में बात आ गई होगी शायद, पक्का है, आगे बढ़ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव स्फीयर, ठीक है ना, ये जो सॉलिड है वो कौन सा है, स्फीयर, अभी हमने बना दिया है, इसको समझिए कि इसकी रेडियस आर है, अब इसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन चीजें हम यहां पर फाइंड करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आ रहा है कि कितना पोर्शन इस कर्व होगा, पूरा का पूरा कर्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको जानने के लिए इसका रिलेशन सर्किल से होता है, ठीक है, इसको हम लोग अगर प्रूफ करना होगा कि कितना होगा, निकालना होगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, तो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, सर्किल पर थ्रेड लपेट करके देख सकते हैं कि जिस रेडियस का ये स्फीयर उसी रेडियस का सर्किल ले लें, और उस सर्किल पर हम थ्रेड से देख लें कितनी एरिया आ रही है, और उसके बाद इसके लपेट के देख लेंगे तो हमको मिलेगा कि इसकी जो कर्व सरफेस एरिया है वो आएगी सर्किल का 4 गुना 4 टाइम्स, तो सर्किल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एरिया, तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा 4 टाइम्स ऑफ द सर्किल, सर्किल का पता है पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स कर देंगे स्फीयर का आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा कि टोटल वर्ड क्या होता है, टोटल वर्ड मींस कर्व्ड एरिया प्लस प्लेन एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया, तो ये जो सरफेस है इसका कर्व हम निकाल लिए, अब इसी में प्लेन वाला और जोड़ देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी, आप बताइए सुहानी बताइए इसमें कितना जोड़ दें कि टोटल सरफेस एरिया जाए, प्लेन वाला जोड़ दो इसमें कितना हो गया, को नहीं पता, चलिए आप बताइए कितना प्लेन है, दिख रहा है ना प्लेन, चलिए अगली बात नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 0 जोड़ दीजिए, है ही नहीं, प्लेन का जो पूरा कर्व है ना स्फीयर में, कोई भी स्फीयर है फुटबॉल है उसमें प्लेन कहाँ होगा, पूरा का पूरा कर्व होगा, तो प्लेन नहीं होगा, तो प्लेन में 0 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, तो चाहे इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें या कर्व सरफेस एरिया की बात करें 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि भाई जब प्लेन हो तभी तो जोड़ेंगे, इसमें प्लेन सरफेस तो है ही नहीं, पूरा पूरा कर्व है। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम
को समझने के लिए आपको डायरेक्ट समझ याद करना पड़ेगा 4/3 πr³। इसका कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए थोड़ा कठिन होता है, याद रखिए 4/3 πr³। इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। किसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का। तो ध्यान रखना कि कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4πr², इसमें प्लेन होता ही नहीं, कि पूरा पूरा कर्व होता है, और वॉल्यूम 4/3 πr². अगर ये आपको याद हो गया है तो इसको इसी से निकाल लेते हैं हेमिस्फीयर को। देखिए इसके टुकड़े हमने बीच से काट दिया, हेमिस्फीयर बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। तो अब यहां ध्यान रखने की बात है कि जब इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² था, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया उसका आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आधा ही तो है ये, हेमी का मतलब हाफ। तो ये हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 2πr² सबकी समझ में आ गया। अब यहां दिमाग लगाइएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं, हाथ उठाइए, सब लोग बता सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं कितना होगा, 2πr² में नहीं। देखो पहले एक मिनट सुनो, पहले यहां से देख करके आप समझे, ये देखो इसमें पहले इसमें कहीं प्लेन नहीं था, लेकिन इसमें देखो ऊपर एक, अगर ये सॉलिड है तो ऊपर एक प्लेन मिल गया, क्या हो गया सर्किल, इसमें नहीं था लेकिन इसमें मिला है। तो ये वाला कर्व्ड वाला तो 2πr² मिलेगा, लेकिन प्लस एक प्लेन भी ऐड होगा उसमें, और वो क्या है, सर्किल है, मींस πr² ऐड हो जाएगा। तो 2πr² प्लस πr² दैट विल बी 3πr², जितने बच्चों ने बताया था सभी का सही है, एक को छोड़, ठीक है 3πr² याद रखिएगा। बच्चे यही से कह देते हैं कि 4 है तो 2 हो जाएगा, नहीं भाई प्रैक्टिकल थोड़ा समझो कि इसमें प्लेन नहीं था लेकिन इसमें प्लेन है, दिख रहा है ये कर्व तो 2πr² आपके समझ में आ रहा, लेकिन ये जो सर्किल बढ़ गया, अगर ये सॉलिड है तो 3πr², हाँ इसका वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ, इट मींस 2/3 πr³, ठीक है, yes, sir. ये बढ़ गया, इतना आ गया आपको समझ में, yes, चलिए एक नाउ नेक्स्ट सॉलिड इज फ्रस्टम। अब फ्रस्टम का शेप क्या होता है बेटा, ये ऊपर वाला शेप होता है, इसको हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द कोन, कोन का हिस्सा है। देखिए इतना हमने डॉटेड बना दिया, अगर कोन था उसमें से इतना हमने काट दिया, तो काट दिया देखिए, तो ये जो शेप मिला इसको कहते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम में दो रेडियस होती है, अभी तक जितने देखिए इसमें एक रेडियस होता है, यहाँ दो रेडियस, ये ऊपर की रेडियस R1 एज्यूम कर लिया, नीचे की रेडियस R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, दिख भी रहा कि R1 बड़ा होगा R2 छोटा होगा। इसमें एक हाइट होती है, हाइट देखिए क्या, परपेंडिकुलर हाइट, जो रेडियस में परपेंडिकुलर होगी, और एक होती है स्लैंट हाइट, जिसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना, ये स्लैंट हाइट। अब इसका हम क्या करेंगे, CSA की बात करेंगे, yes, अब ये CSA आपको इसका प्रूफ कर सकते हैं कि इतना कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल याद रखना है क्या है, इसका कर्व सरफेस, कर्व सरफेस आप समझ रहे हैं ना, ये वाला तो पोर्शन आपका कर्व सरफेस होगा, yes, CSA, हाँ। तो ये क्या होगा, πl into R1 plus R2, ठीक है, yes, sir. इसका टोटल सरफेस क्या होगा, कर्व सरफेस तो रहेगा ही, उसमें प्लेन एरिया और जुड़ जाएगी, प्लेन है कहाँ, ऊपर है और नीचे है, ये सॉलिड की बात कर रहा हूं, yes, ये सॉलिड है, तो ऊपर एक सर्किल है तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, πr² हो जाएगा, πr² इसकी रेडियस है, yes, और नीचे सर्किल का क्या हो जाएगा, πr² तो वही चीज हमने इसमें ऐड कर दिया, πr² + πr² आगे इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा πh³ × R1² + R2² + R1R2, ठीक है ना, yes, तो ये चीज अभी आपके जो सिलेबस में इस समय नहीं है, लेकिन आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, इसलिए सारे फॉर्मूले हमने आपको यहाँ पर बता दिए।
हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमने बता दिया कि कर्व सरफेस एरिया होगा पाई एल इनटू आर वन प्लस आर टू, वेर वेर एल क्या होगा, स्लैंट हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्लैंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप सोचिए स्मॉल एल कोण में निकालते थे, क्या लिखते थे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन यहां पर दो रेडियस है तो आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर उसी से रिलेटेड है एकदम बिल्कुल। वहां स्लैंट हाइट क्या होता था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां पर दो रेडियस है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, नहीं तो आप स्लैंट हाइट नहीं निकालेंगे तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो अब यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं, अब आते हैं ठीक है नए टॉपिक पर, और इनमें से दो ऑब्जेक्ट को जोड़ करके उसका फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया जाएगा। ओके।